हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम चलते हैं जनपथ दिल्ली में, और स्पेशली आज हम जा रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम। तो नेशनल म्यूज़ियम जाने के लिए हमने सफ़र स्टार्ट किया फरीदाबाद से, और वो भी मेट्रो में, क्योंकि सीधा मेट्रो आपकी पहुंचती है सेंट्रल सेक्रेटरीट, जहां से सिर्फ हमने ऑटो किया और हम पहुंच गए नेशनल म्यूजियम। मेट्रो के सफर का आनंद लेते हुए अक्की एंड कुक, तो फ्रेंड्स, सेंट्रल सेक्रेटरीट के गेट नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। यहां से सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है ऑटो से, और ऑटो भी बहुत खड़े हैं यहाँ पर। 5 मिनट में आप नेशनल म्यूजियम पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं नेशनल म्यूजियम दिल्ली में, और ये है आपका सबसे पहले टिकट काउंटर। तो देखते हैं, पता करते हैं टिकट कितने की मिलती है। उसके बाद ये है अक्की एंड कुक्कू। तो फ्रेंड्स, टिकट हमें मिल गई है, 2 अडल्ट्स की टिकट 20 ईच, और चिल्ड्रन की कोई टिकट नहीं ली है इन्होंने, जैसे कि आप टिकट में देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि ट्यूसडे से फ्राइडे ये 10 AM से 6 PM तक तो खुलेगा, सैटरडे संडे 10 AM टू 8 PM, और मंडे क्लोज रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। Smile. फ्रेंड्स, देखिए जो सामने आपके मूर्तियां सामने दिख रही हैं, ये कोई 19th सेंचुरी की है, कोई 15th सेंचुरी की है। तो एक धरोहर है हमारी हिस्ट्री की। स्टार्टिंग में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं इनको देखता गया तो मुझे हिस्ट्री क्लासेस, टीचर, और वन टाइम तो फील आया कि हिस्ट्री में इतने पुराने टाइम में जब फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसके बाद भी इन्होंने देखो कितनी बढ़िया ये मूर्तियाँ बनाई हो। एंड बिग थैंक टू म्यूज़ियम जिन्होंने ये धरोहर संभाल के रखी है, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां और हम उस समय को अभी देख सकें और अनुभव कर सकें कैसा टाइम था,
कैसी कलाकारी थी उस टाइम पे। यहाँ देखने में पता चला कि हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो और कांस की मूर्तियाँ, उस टाइम के सिक्के, कॉइन्स और बहुत कुछ उस टाइम का यहाँ पर संभाल कर रखा हुआ है इस म्यूज़ियम में। करीब करीब 2 लाख ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं इस म्यूज़ियम में रिलेटेड टू आर कल्चर और डिफरेंट सिविलाइजेशन, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भी बहुत सारी सभ्यता थी जो लुप्त हो गई समय के साथ। तो वो सब, उन सब के निशान, उन सब के कुछ ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। कैसे पता? दांत मजबूत होते हैं हमारे। एक दिन तो जाने का बनता है वहाँ, मतलब ये चीज़ देखने में शायद उतनी फील नहीं आएगी जो वहाँ होके हम डिफरेंट कल्चर, जो डिफरेंट स्टैचूज और जो पत्थर पे जो नक्काशी की गई है, जो लकड़ी का जो आर्ट वर्क किया गया है, जो कांसे की मूर्तियाँ बना रखी हैं और पुरानी सभ्यता की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ संजोकर रखी हुई हैं, तो वो जो फील है वो वहीं जाकर मिलेगा।
अभी तो आगे। म्यूजियम के सेंटर में एक ओपन एरिया है जो कि बिल्कुल गोल है और जिसमें डिफरेंट स्टैचूज रखी हुई हैं और बिल्कुल मिड पार्ट में एक फाउंटेन बना रखा है, तो ये भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए आपको अलग अलग फ्लोर में मूव करना होगा, जैसे कुछ ग्राउंड फ्लोर में है, कुछ फर्स्ट फ्लोर में और कुछ सेकंड फ्लोर में। तू इधर देख बेटा, स्माइल। ओके फ्रेंड्स, पहले मुझे लगा कि बच्चों को बोर लगेगा, लेकिन कुछ एरियाज थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे उनके लिए, जैसे जहां पर प्रोजेक्टर वाला जो रूम था वो, और जो कॉइन एज है, सिक्के कैसे बनते थे पहले, और डिफरेंट सिविलाइजेशन के जो कॉइन्स थे वो एरिया, और जहाँ पर हाथी दांत का जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बने हुए थे वो भी उनका अच्छा लगा। तो और दूसरा ये जो जहाँ पर नेवी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स थे, उनकी शिप्स, उनकी ड्रेस कोड, तो वो भी किड्स को बहुत पसंद आया। और सबसे बड़ी बात कि अब जैसे बच्चे आगे पढ़ेंगे तो उनकी बुक्स में ये आना ही है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो, डिफरेंट सिविलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रिलेट करेगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा।
तो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू लीव दिस म्यूज़ियम। तो हमने तो इन्जॉय किया, आई होप आप भी इन्जॉय कर रहे हैं वीडियो देखते हुए। तो बताइएगा जरूर कमेंट्स में लिखकर कि कैसा लगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। वापस घर की ओर चलते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।